लखनऊ की ओमैक्स सिटी में लगातार कुछ अराजक तत्व हंगामा कर रहे हैं और ओमैक्स के प्रेसिडेंट हजारी लाल के खिलाफ तरह तरह के अभियान चलाते हैं, जिसको लेकर इन अराजक तत्वों ने कई जगह शिकायत भी की। एलडीए से लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार तक की इसकी शिकायत की गई, लेकिन मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा। हालांकि हर जगह फैसला हजारी लाल के पक्ष में ही आया। ये अराजक तत्व अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन अराजक तत्वों की गुंडाई आए दिन बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि ओमैक्स की कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ दबंग इन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जिसको लेकर आज हमारी टीम सीधे ओमैक्स सोसाइटी पहुंची और सोसाइटी के लोगों से स्थिति जानने की कोशिश की। लखनऊ से सुबह 6 बजे चला, अयोध्या की नगरी में एक पूजा मेरा था। उसी पूजा में गुरु जी का यहाँ राम मर्चा का अनुष्ठान रखा हुआ था, उसी अनुष्ठान में मैं आ रहा था। रास्ते में मुझे 9 बजे करीब मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि मेरे खिलाफ TV 94 में चल रहा है, जो अमित गुप्ता लगातार हमको बता रहे हैं। जो नोएडा में घटना हुआ, उस घटने को 2 साल पहले का है। एक सिस्टी मैडम थी, वो कुत्ते को लेकर मामला किए, लेकिन 10 मिनट के बाद मामला शांत हो गया था। वो अब हमारा रिश्ता बहन और भाई का हो गया था। उनकी माँ, मैं उनकी उनकी माँ को मेरी माँ हो गई थी, और मेरा रिश्ता 2 वर्ष पहले से हुआ था। इधर कुछ भी नहीं हुआ था, और वह कुछ हार्ट अटैक नहीं, कुछ वार्ता हुआ था, कुत्ते को लेकर हुआ था। कि सोसाइटी के लोग कहते थे कि भाई कुत्ता यहाँ ज़्यादा है, मैंने वो कुत्ता का एक NGO चलाती है, उस कुत्ते को पालती थी, मैं उसी पर बात हुआ था न कि कुछ इस तरह। और 2 साल को घटना को देखकर, नोएडा की घटना को दिखाया जा रहा है कि यहाँ जो है इस तरह का घटना हुआ और महिलाओं के साथ इन्होंने इस तरह का काम किया। किसी ओमैक्स R2 में एक महिला मेरे खिलाफ एक बता दे कि मैं किसी से आज तक ये किया हूँ, ये तो गलत। मेरा बयान भी नहीं लिया गया, मुझसे पूछा भी नहीं गया, और लगातार मेरे छवि को गुंडा, बदमाश और मुख्तार से हमारा संबंध बना दिया गया। मेरे बारे में तो पता करना चाहिए कि मैं मुख्तार का सबसे ज़्यादा कोई विरोधी रहा है जनपद मऊ में, तो मैं एक व्यक्ति रहा हूँ मुख्तार अंसारी के। मेरे भाई को मारा गया था, मेरे सबको हुआ था, मेरा ये था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिजकांत और आप देख रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, नोएडा की एक घटना घटित हुई थी कुछ ही दिन पहले, जिसमें श्रीकांत त्यागी का नाम लगातार सामने आ रहा था। एक महिला के साथ अभद्रता होती है, उसके बाद आपको बता दूं राजधानी लखनऊ में भी एक वीडियो ट्रॉल होती है जिसमें हजारी सिंह का नाम सामने आता है। लेकिन आपको बता दूं, जब ओमैक्स सिटी में जहां से वीडियो ट्रॉल हुई, जहां से वीडियो वायरल हुई, उसी प्लेस पे आता हूं, जब लोगों से इस घटना के बारे में बात करता हूं, तो लोग जो बातें बताते हैं वो सीधे जो बात जो चल रही है सोशल मीडिया पर जस्ट उसके अपोजिट है। यहाँ पे लोग मेरे साथ में, इनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा जो घटना जो घटित हुई उसके बारे में इन सभी का क्या कहना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे साथ एक मैम है, इनसे हम बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? संगीता श्रीवास्तव। यहाँ पे कब से रह रही हूँ? 29 मार्च से मैं रह रही हूँ। इसी ईयर्स में? हाँ जी। अच्छा, एक लास्ट ईयर से। अच्छा एक बात कर लो, यहाँ पे एक वीडियो ट्रॉल हो रही है लगातार, उसमें एक वीडियो एक महिला की बात आ रही है सामने, उसमें आप लोग ये कह रहे हैं कि जो घटना घटित हुई वो वीडियो जो वायरल हो रही है वो पुरानी है, इसकी क्या सच्चाई है? वीडियो जो पुरानी डॉग वाली है पुरानी है, बट अभी जो सुबह सुबह हुआ है वो, उसमें सारी चीज़ें बहुत झूठ हैं, गलत हैं। योगा प्रॉपर होता है, सारी चीज़ें इवेंट एंजॉय करती हैं सब लोग, और इवन योगा जब होता है तो लोग गार्ड यहाँ पे खड़े रहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें डॉग ही ना काट ले या उन्हें AC चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो प्रॉपर वो करती हैं, सारी चीज़ें इंजॉय करती हैं, ये चीज़ झूठ है। अच्छा मैम आपसे ही बात करूंगा, पहले तो अपना नाम बता दो। खुशी। अच्छा खुशी जी, एक जी बात करूंगा, हजारी सिंह जी का नाम बार बार सामने आ रहा है जिसमें ये भी बात होती रही है कि महिलाओं से अभद्रता हो रही है, इसमें क्या सच्चाई है? मैं यहाँ पे 3 साल से रह रही हूँ एज अ रेजिडेंस। मुझे RWA से कोई नहीं कि मैं वहाँ के मेंबर हूँ तो मैं बोलूँ। हजारी सिंह जी महिला RWA को एक बार फुल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे तमाम जनता RWA नहीं समझ पा रही। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो यहाँ पे हर सोसाइटी में होता है, जो हर सोसाइटी में उनको हैंड ओवर ओमैक्स है या कोई भी होता है बिल्डर, वो कर देता है। उसमें एक सोसाइटी में बनता है ग्रुप, RWA बनता है, जिसमें अध्यक्ष बनते, महामंत्री बनते, उसमें मैनेजर होते हैं, उसी का RWA होता है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो खुद अध्यक्ष बनने के लिए, गलत गलत काम करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और उनको ट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको खुद को बनना था यहाँ पे। जब वो नहीं इसमें सक्सेस हो पाए तो उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर बोला, सिक्योरिटी को लेकर बोले क्योंकि ये लोग खुद अपनी पर्सनल सिक्योरिटी लाना चाह रहे थे पैसा कमाने के लिए, वो इनका सक्सेस नहीं हो पाया। सेकेंड चीज़, ये जो सिक्योरिटी के लिए बोलते रहते, यही सिक्योरिटी सेम रिशिता से लेके, इकाना से लेके, हर जगह
आपके लखनऊ में है, कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, यहीं पे क्यों आती है? और सेकंड चीज़ है जो ये बोलती हैं, अंजू सिंह नाम है जिनका, जो बोलती हैं यहाँ पे करने नहीं दिया था, मेरे पास बाई प्रूफ रखे हुए हैं, योगा से लेके इनका तीज त्यौहार से लेके इनका डेली कोई ना कोई यहाँ पे प्रोग्राम होता है जिसमें सिक्योरिटी खड़ी रहती है कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस इन लोगों को इसमें ऑब्जेक्शन है कि अध्यक्ष जी को हटाया जाए, यहाँ के लोगों को परेशान किया जाए, अपना एक गुट बना के बिजली का बिल हम नहीं जमा करेंगे तो हमें ये सब चीज़ें मिल जाएँ, तो ये जब नहीं हो पाती तो ये लोग ऐसे वीडियो करते हैं। जी मैम क्या कह रहे हैं? सुंदरकांड उन लोग का प्रॉपर होता है और उसके लिए हमारे प्रेसिडेंट खुद कहते हैं कि ये लोग करें और ये हमारे सोसाइटी के हित के लिए प्रॉपर लोग करते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आपसे बात करूंगा, जो हजारी सिंह जी हैं, क्या हजारी सिंह यहाँ पर इलेक्टेड प्रेसिडेंट है या ऐसे ही बन गए? इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। आप लोगों ने वोट किया था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने उसमें मैं नहीं थी यहाँ पे, वोटिंग पहले हो चुकी थी, वोट से आए हैं वो। और देखिए यहाँ पे इस बार जो हुआ है मुस्लिमों का भी और हिंदुओं का भी, हम ऊपर दशहरा कर रहे थे, दुर्गा पूजा कर रहे थे, नीचे इन लोग कर रहे थे, इतनी यूनिटी, हर मोहम्मदन ने इसकी तारीफ की है कि हमें भी इस सोसाइटी में घर लेना चाहिए। हजारी जी इज़ द बेस्ट, मैं अपना मैंने पर्सनली नहीं बोल रही, हर कोई यहाँ पे यही बोलेगा कि हजारी सिंह हर किसी की बात सुनते हैं बेटा, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आज तक उन्होंने किसी को ना नहीं बोला है। उनका पेशेंस मैं देखती हूँ ऑलवेज, उन पे लोग बुराइयां भी करते हैं पर ऑलवेज पेशेंसली जवाब देते हैं। मैम नाम क्या आपका? राज संधु। राज संधु जी से ही बात हो रही थी, हर जगह जहां बात हो रही, जो बातें जो सामने निकल के आ रही थी सुबह से लगातार मेरे पास, वही बातें यहां पर भी हो रही। एक मैम और भी है, उनसे ही बात करता हूं। मैम आपका नाम क्या है? डॉक्टर रूपा सिंह। मैम क्या कहेंगे, जो पूरा मामला लगातार सोशल मीडिया पे ट्रॉल हो रहा है, उसके बाद R9 जैसे बड़े चैनल्स पे चल जाता, सेटेलाइट चैनल्स पे, डेली हंट पे भी ये न्यूज चलती है जिसमें हजारी सिंह जी का नाम सामने आ रहा है महिलाओं से अभद्रता को लेकर के, क्या कहेंगे इस पर? देखिए महिलाओं से अभद्रता आजकल का एक लोगों के पास एक हुक पॉइंट हो गया है जिसको लेके कभी कोई भी औरत किसी पे भी एलिगेशन, मैं अभी आपके पे भी लगा सकती हूँ जबकि आप ऐसे नहीं हो, तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये बहुत गलत है। अगर इतनी सारी महिलाएं हैं यहाँ पे और भी अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, काम वाली मोस्टली जो आती हैं वो महिलाएं हैं, किसी के साथ भी अभद्रता का एलिगेशन बहुत ख़राब चीज़ है, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो आप उसको नहीं बोल सकते। दूसरी चीज़ पूजा पाठ के ऊपर भी, भगवान को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर यहाँ पर हो रहा है, मैं पर्टिकुलर टर्म नहीं लूँगी उस चीज़ को, लेकिन अब तो गवर्नमेंट बोल चुकी है कि ओपनली आप ये सब नहीं कर सकते, आपको करना ही, आपने अपना फ्लैट खरीदा है, फ्लैट में जो मर्जी वो करिए, कोई नहीं आपको रोकेगा। और अगर आप ओपनली कर रहे हैं और अगर अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि हाँ यहाँ पे ये काम हो रही है, क्योंकि वो गलत तो नहीं है, आप अपने रेजिडेंस के मालिक हैं, आप पूरे ओमैक्स के मालिक नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आके कहे मैं यहां बैठ के अभी धरना प्रदर्शन करूं, अच्छी चीज़ नहीं है ये। तीसरी चीज़ डॉग को लेकर जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को 2-3 साल पहले का है वो ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन अध्यक्ष जी ने उस समय उस लेडीज़ को यही कह के रोका कि मैम स्ट्रे डॉग को अंदर सोसाइटी में बुला के फूड मत दीजिए, अदरवाइज ये कल को किसी और बच्चे को काट सकता है। उसके बाद बहुत सारी इंसिडेंट्स ऐसे हुई जब वो, कई सारे कुत्ते थे जो बच्चे भाग के इंसिडेंटली उनके हाथ में पैकेट होता था और कुत्ता छीन के और उससे मतलब ऑलमोस्ट वो बच के भागे किसी तरीके से। आज जुलाई में जो घटना हुई है पिटबुल डॉग का आप सबको पता है, तो अब जाके उस पर रोक लगी है कि सोसाइटी में डॉग को अलाउ नहीं करना है। और जो विरोधी पार्टी जो भी है, मैं पार्टी नहीं बोलूँगी, कुछ 2-4 लोग हैं ये, उनका भी उस समय बहुत अच्छा था कि हो सकता है अपनी सोसाइटी में भी ये चले, मेरे पास मैसेज है, मैं दिखा भी सकती हूँ आपको कि कुत्ते को लेकर यहाँ प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। जो आदमी 2 साल पहले से प्रोटेक्शन कर रहा है उस वीडियो को आप आज वायरल करके क्या साबित कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, तो सच्चाई तो सामने आनी होगी और वो आके रहेगी। मैम क्या लगता है छवि क्यों धूमिल करी जा रही होगी इनकी? कोई और अध्यक्ष बने उनकी तरफ का, जाहिर सी बात है कोई और अध्यक्ष बने, एक सीधा साधा इंसान, मान लीजिए मैं इंग्लिश में ना बोल के मैं हिंदी में अपनी बात रख रही हूँ, तो मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी में बोलना या कुछ भी अपनी बात करना, कोई अपनी इंग्लिश में मुझे अपशब्द कह रहा है, तो ये नहीं सही है ना कि वो इंग्लिश बोल रहा है तो ही इज़ राइट या शी इज़ राइट, है ना? मैं अपनी बात अगर समझा के आराम से रख रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, तो मैं सही हूँ ना? मतलब कुल मिलाकर के मैम छवि धूमिल करने का प्रयास। एग्जैक्टली वो तो दिख रहा है सर। और जो वीडियो है ना, वीडियो क्लिप आप उसको देखिएगा, वो पूरा नहीं है, उस औरत ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। हालांकि मैं अब उन लेडीज़ को बीच में नाम नहीं लाना चाहिए क्योंकि बहुत पुराना मामला है और उन्होंने भी अभी बोल दिया कि इसको रोकिए, मैं अब इस मैटर से बाहर हूँ, तो अच्छी चीज़ नहीं है। जिन महिला की वीडियो वायरल हो रही, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया? क्योंकि आप लोग के साथ में रही हूँ, काफ़ी सारी चर्चा हुई होगा आप लोगों से। नहीं, वो एक्चुअली अभी वो बोल रहे हैं कि इस मैटर से नहीं इसको ले आइए क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रह रही हैं, तो जो भी मैटर है अभी वो यहाँ के रेजिडेंट ही नहीं। नहीं नहीं, वो वहाँ तब भी वो रेंट पे रहती थी, उस समय भी वो रेंट पे ही रह रही थी, और जो चीज़ वो गलत थी उस पर अध्यक्ष जी ने बोला और बहुत समय पहले बोला, तब तो मैं यहाँ रहती भी नहीं थी, वो बहुत समय पहले का वीडियो है, तो अगर उस समय कोई आपको अलर्ट कर रहा है। मैम एक मिनट रुकूंगा, एक चीज़ जानना चाहता था कि ये जो वीडियो जो वायरल हो रही है जिन महिला की, क्या उन्होंने इस पर कोई अभी तक कोई एक्शन लिया? क्योंकि अगर पुरानी वीडियो है तो एक्शन लेना चाहिए जरूर। तब लिया था लेकिन अब उनको, हाँ
वो हाँ बताइए मैम। जी मैम कुछ बताना चाहती है मैम, सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। मैं नमिता हूँ, मैं यहाँ पे ओमेक्स रेजिडेंसी 2 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, ऑफिस इंचार्ज हूँ, पूरा मैं देखती हूँ। उस वीडियो के बारे में सुबह सुबह सृष्टि कश्यप जी से बात हुई जो हम लोगों की, उन्होंने बोला कि मैं इन लोगों के खिलाफ FIR भी कर सकती हूँ कि अगर मेरे नाम को ये लोग गलत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट को 3 साल लगभग हो चुके हैं और उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, सिर्फ स्ट्रीट डॉग को खिलाने के लिए मना किया जा रहा था जिसपे वो लोग हाइपर हो गए थे, और उसके बाद उन लोग का ये स्टेटमेंट आया है। और मैंने ग्रुप पे उस पर मैसेज भी फ्लोट किया है जो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि मेरा इनसे कोई रिलेवेंट नहीं है, ये बहुत पुरानी घटना है, इसको इस घटना से मत जोड़ा जाए। और बाकी जहाँ तक यहाँ पे जिस तरह की लोगों ने बातें की हैं कि गलत हैं ये वो है, अगर किसी चीज़ की परमिशन लेके कोई काम करने के लिए बोला जाता है, अगर वो गलती है, फायर शाफ्ट में आप अपने घर की चीज़ों को डाल देते हैं वो हटाने के लिए बोला जाए वो गलती है, अगर आपका बिजली का बिल टाइम पर जमा करने के लिए बोल दिया जाए वो गलती है, और उसमें भी एलिगेशन लगा देते हैं, और अपने जो भी कॉमन एरिया है उसमें अपने घर का फालतू सामान निकाल के रख दें उसके लिए सिक्योरिटी जाए तो वो गलती है, तो भाई ठीक है हम लोग गलत हैं, लेकिन अगर ये गलती नहीं है तो वो लोग पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो लोग गलत चीज़ का फेवर चाहते हैं जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उनको नहीं मिल रहा है। रही बात सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी हमारी इतनी अच्छी है, सिक्योरिटी से हमें कोई भी शिकायत नहीं है, सोसाइटी में इतने अच्छे से मैनेज करती है, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेजेबल है, उनके जो इंचार्ज हैं बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं वो मैनेज करते हैं, किसी पुलिस किसी चीज़ की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती है सिक्योरिटी के होते हुए। और उसको वो लोग इसलिए एलिगेट कर रहे हैं क्योंकि वो उनके द्वारा जो भी उन्होंने बोला था जिसको सिक्योरिटी को लगाने को, वो सिक्योरिटी नहीं यहाँ पे इलेक्टेड की गई, इस वजह से उनको दिक्कत है। तो देखिए जो भी चीज़ें उनके फेवर में नहीं है उन चीज़ों से उनको दिक्कत है, क्योंकि सोसाइटी आप खुद देख रहे हैं जितनी साफ ये सोसाइटी है, मेरे ख्याल से लखनऊ में कोई सोसाइटी इतनी साफ नहीं है, इतना काम किसी सोसाइटी में नहीं होता है, सिर्फ स्टाफ 200 हैं यहाँ पे जो सिर्फ सफाई का काम और सिक्योरिटी का काम ये सारी चीज़ें करते हैं। किसी भी फ्लैट में कोई कंप्लेंट होती है उसको अटेंड करने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है, इससे ऊपर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उस चीज़ से भी लोगों को दिक्कत है। तो देखिए दिक्कत तो हर किसी की सॉल्व कर नहीं सकते, और मुश्किल से 10 से 12 लोग हैं जिन्हें यहाँ पे दिक्कत है, उसके अलावा किसी को दिक्कत नहीं है। मैम ये जो वीडियो ट्रॉल हो रही है इसमें एक महिला का नाम सामने आ रहा, क्या उनकी तरफ से अभी तक के कोई एक्शन इस वीडियो को लेकर लिया गया है? मैंने बताया तो कि उन्होंने मैसेज किया है कि मेरा मैं मैसेज भी आपको दिखा सकती हूँ, उनका मैसेज भी आया हुआ है कि मैं इससे कोई मेरा रिलेवेंट नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, ये बहुत पुराना वीडियो है, मेरे नाम को यूज़ किया जा रहा है। अच्छा मैम अगर यूज़ किया जा रहा है क्या ये पुलिस में आगे कहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों से बात हो रही है? उन्होंने खुद बोला है कि मैं इसके अगेंस्ट में FIR करूंगी, FIR करने के बाद एकदम बोला है उन्होंने कि मेरे वीडियो को गलत यूज़ किया जा रहा है, 2 साल पुराने वीडियो को आज आप यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। अच्छा मैम टीवी चैनल पे भी ये वीडियो चल चुकी, कई अलग अखबारों में भी चली है, एक तरीके सोसाइटी का नाम धूमिल करने का प्रयास किया है, आप लोग किस तरीके का एक्शन चाहती है और टीवी चैनल्स के लिए क्या कहेंगे? हम लोग तो एकदम मानहानि का दावा करवाएंगे अपने यहाँ से, कैसे उन लोगों ने गलत चीज़ों को वो कर दिया। जो अंजू सिंह आके यहाँ पे दुनिया भर की बातें बोल के जा रही हैं कि मैं उनको फेवर नहीं करते हैं, रोज़ वो यहाँ पे फ्री में योगा कराती हैं, रोज़ वो हरियाली तीज का प्रोग्राम करती हैं, रोज़ कुछ ना कुछ करती हैं, और पूरा सपोर्ट आता है, हर ट्यूसडे ये लोग यहाँ पे वो सुंदरकांड करते हैं, उसका पूरा सपोर्ट रहता है, AC चलता है, उसका सब कुछ होता है, लेकिन जब उसके बावजूद भी अगले को लगता है सपोर्ट नहीं हो रहा तो ठीक है कोई बात नहीं। मैम टीवी चैनल्स के लिए क्या कहेंगे जहाँ वीडियो वायरल हुई है? उनसे यही कहूँगी कि आप गलत हो, आप हर जगह गलत हो, क्योंकि अगर किसी को रोका जाता है कहीं कूड़ा फेंक रहा है कहीं गंदगी है तो वो गंदे एलिगेशन लगाते हैं, ये नहीं बोलते, वो द्वार पे जाके बोलते हैं थोड़ा सफ़ा सफाई होनी चाहिए, तो एलिगेशन गलत गलत एलिगेशन लगाते हैं कि इसने हमें ये किया, इस लड़के ने हमें ये किया। इनके साथ एक आकाश हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने केस किया उनके ऊपर कि ये हमारे द्वार पर आके, और विवेक भाई से बेस्ट हैं, देखिए वो उनकी जो भी सिक्योरिटी है A to Z सब बेस्ट है बेटा, सब बेस्ट है, हमें कोई शिकायत नहीं, आप तो सोसाइटी देख ही रहे हो। बिल्कुल देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे साथ में कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे पूरे मामले के बारे में। सर सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभात है। अच्छा प्रभात जी यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे 2019 से रह रहा हूँ। 19 से रह रहे हैं, अभी एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद तमाम तरीके के एलिगेशंस लगी महिला के बारे में, यहाँ मैम बता रही हैं कि वो केस भी करेंगी, और उसके बाद ये टीवी चैनल्स पे जो इस तरीके से वीडियो वायरल होती है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं कोई भी टीवी चैनल है, एक जिम्मेदार टीवी चैनल होने के नाते मैं या हम लोग सब ये अपेक्षा करते हैं कि आप एटलीस्ट दोनों पक्ष को पहले सुने समझें और फिर उसको टेलीकास्ट करें। इस केस में देखते हुए ये पता लगता है अपफ्रंट की साहब आपने एक पक्ष रखा है, दूसरे पक्ष की आपने बात नहीं सुनी। जिन जिन साहब की बात उसमें हो रही है हजारी भाई की,
वो हमारे सोसाइटी के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं RWA के। तो प्रेसिडेंट होने के नाते, RWA टीम होने के नाते, उनका फ़र्ज़ है कि सोसाइटी कैसे चल रही है, क्या सही है क्या गलत है। उसमें अगर कुछ लोगों को कुछ चीज़ें मान लीजिए उनके हिसाब से नहीं है तो उनके अपनी समस्या है, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और उस केस में हमेशा हर हफ्ते 15 दिन में महीने में मीटिंग्स होती हैं, लोगों को बुलाया जाता है। इनकी प्रॉब्लम यह है कि साहब मीटिंग में आएंगे नहीं और अनाप शनाप बातें करेंगे। तो ये बेसिकली वही है कि अब अगर जब आप देखें RWA की बात या प्रेसिडेंट की बात, तो इलेक्टेड हैं, ये मैंने पहले बताया आपको। दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन किए थे, जो जितने भी एलिगेशंस लगी हैं, जिस तरीके से पूरा जो गेम हुआ है, ये सिर्फ एक पद जो कि प्रेसिडेंट पद था उसके लिए हुआ। एग्जैक्टली, ये इसलिए भी है क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन लोगों ने LDA में ये गए, कोर्ट गए कि साहब ये इलीगल फॉर्म हुआ है, कोर्ट का आदेश है कि साहब अब आप इसको अगले 3 साल तक ये RWA रहेगी, जिसके प्रेसिडेंट हजारी सिंह जी हैं। तो फिर कुछ नहीं रहता है कोर्ट के बाद, अब जब माननीय कोर्ट की तरफ से ये चीज़ें आ गई हैं तो फिर कुछ नहीं रहता। अब उनके पास कुछ नहीं है तो ऐसी चीज़ें हैं कि साहब वीडियो बनाओ, वीडियो वायरल करो। यहाँ पर आपने लेडीज से बात करी, आप यहाँ के फंक्शंस देख लीजिए, आए दिन हर इवेंट यहाँ पे मैनेज होता है, अच्छी तरह से होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो धर्म है, हिंदू के भी होते हैं, तो सारे तरीके के यहाँ पे फंक्शन सेलिब्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लूँ, यहाँ पे आपने कहा एक पक्ष की बात, ना ही महिला पक्ष का कोई भी अभी वीडियो सामने आया कि उन्होंने कुछ अभी बोला हो, या फिर हजारी सिंह जी का ही कोई अभी वीडियो सामने आया, तो किस पक्ष की आप बात करें? सिर्फ उनकी मीडिया चैनल से सुनवाई की है। देखिए ऐसा है कि हजारी सिंह साहब अभी हैं नहीं यहाँ पे, तो रह गया सवाल जो वीडियो उन्होंने वायरल करा है जो किसी महिला का, वो बहुत पुराना वीडियो है और उसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत चीज़ें थी जिसको कि बिल्कुल हाइड कर दिया गया है। तो जब आप पक्ष रखते हैं तो आपको पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के चीज़ें रखनी चाहिए। रहा सवाल उन महिला का, तो मैं चैनल से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो महिला के भी अपने विचार ले लिए जाएं कि अब उनका क्या कहना है, वो तो इस सोसाइटी में नहीं है। तो ये बेसिकली सिर्फ उनकी सोसाइटी की, और जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई उस दिन वो महिला यहाँ पर थी ही नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं थी, वो काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं है, वो दिल्ली नोएडा कहीं हैं। अब उनका एक पुराना वीडियो जो कभी एक डिस्प्यूट हुआ था, बट उसमें कहीं भी आप देखेंगे कोई गाली गलौज या कोई चीज़ नहीं है। हाँ, सोसाइटी के प्रेसिडेंट होने के नाते उनको देखना ज़रूरी है, कहना ज़रूरी है कि साहब ये आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, और एक रेसिडेंट होने के नाते हमको उनकी बात सुननी चाहिए। सर, आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम जबरजीत सिंह है, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, मैंने यूपी के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस का रिप्रेजेंट किया, मैं नेशनल चैंपियन हूँ, अपने US ओपन खेला मैंने, मैं एक हस्ती हूँ, मैं यहाँ पर रेसिडेंट हूँ, मैं और मेरी माता जी रहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, यहाँ बहुत अच्छा हर चीज़ वेल मैनेज्ड है, यहाँ सिक्योरिटी वेल एजुकेटेड वेल मैनेज्ड एकदम फुल टाइट है, मतलब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, सब एलिगेशन गलत है, मैं यहाँ बहुत सुखी से रह रहा हूँ, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। आपने कहा कुछ इफ एंड बट नहीं, लेकिन एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया वायरल हो रही है, टीवी चैनल से वायरल हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो मैंने देखा नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर चूंकि मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का, तो जैसे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि यहाँ ये कमी वो कमी, एज अ रेजिडेंट यहाँ पर मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ विथ मेंटेनेंस एंड विथ सिक्योरिटी, एवरी टाइम दे आर अवेलेबल फॉर अस, एक कॉल में सब है। आप ये देखिए झंडे की बात करता हूँ, ये जो झंडा लगा है ये हर घर पर लगाया गया, ये हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा कराया गया, वो बहुत अच्छे इंसान है, सबके लिए दिन भर लगे रहते हैं, अपना तन मन धन से वो लगे हुए हैं, सिक्योरिटी हमारी बेस्ट है, कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा, हजारे सिंह जी को कब से जानते हैं? जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, 2 साल से। लेकिन जो एलिगेशंस तो लगातार लग रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी लग रहे हैं, तमाम लोगों ने उस पर कई तरीके से ट्रॉल भी किया है, उस पर आप कह रहे हैं कोई भी समस्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एलिगेशन देखिए, जो अच्छा काम करेगा उस पर लोग एलिगेशन करेंगे अपने स्वार्थ के लिए, तो वही स्वार्थ उनके पीछे छुपा होगा, पर मुझे हजारी सिंह में कहीं कोई कमी नहीं नज़र आती है, वो 100% सही इंसान है और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए 24 घंटे काम करते हैं। तो सर, आपसे ही बात करूँगा, आपका नाम क्या है? एक खान। अच्छा खान साहब, यहाँ पर कब से रह रहे हैं? मैं पिछले 4 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहा हूँ, मैं और मेरा परिवार, हम लोग यहाँ काफ़ी लंबे वक्त। हजारी सिंह जी के बारे में बात कर लो, हजारी सिंह के बारे में तो वीडियो ट्रॉल होती है और एक नोएडा में घटना घटित होती है, उससे उसको जोड़ दिया जाता है, इस घटना जो घटित हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है हजारी सिंह साहब को लेकर के, मेरा अनुभव उनको लेकर के अच्छा ही रहा। वो तो व्यक्ति सबके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहा। इवन हमारे कुछ परिवार के और लोगों के भी फ्लैट्स हैं तो हमारे यहाँ हमारी माएँ बहनें या जो भी महिलाएँ हैं सबको उसने हमेशा सम्मान ही दिया है। और हमेशा मुझको तो कहाँ के काम अच्छे लगते हैं, मुझे तो किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी अभी तक तो पेश नहीं आई और ना ही मुझे लगा कि कोई अपमानजनक शब्दों का उन्होंने कभी कोई प्रयोग किया है किसी से बात करने में, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और जो वीडियो मैंने देखा, सुबह देखा वीडियो, तो उसमें देख करके बस यही कहा जा सकता है, मैं बस यही कहूँगा कि कुछ नकारात्मक लोग हैं जो सकारात्मक चीज़ों को दबा करके अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं। इसके अलावा उस वीडियो पर कोई और रिमार्क कमेंट करना, मेरे ख्याल से नरेट करना मुनासिब नहीं हुआ। कुछ ये नकारात्मक लोगों का कार्य है। मतलब जिनको आप नकारात्मक लोग कह रहे हैं उन्होंने किसी तरीके से उसको ट्रॉल कराया, उसको सोशल मीडिया पर ला करके छवि धूमिल करने का प्रयास किया। जाहिर सी बात है, अपनी व्यक्तिगत हित में। भाई, हम सभी को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है, संवैधानिक हमारे अधिकार हैं कि हम अपने मान सम्मान के साथ रह सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति को किसी के मान सम्मान पर उसकी छवि को धूमिल करने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। यूँ कहिए तो शुद्ध रूप से ये असामाजिक कार्य है और ऐसा नहीं करना चाहिए और बहुत ही सौहार्दपूर्ण का वातावरण में यहाँ पर रहना चाहिए। मैंने तो देखा यहाँ पर हर तरह के जितने भी धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं उनके सारे त्यौहार को बहुत सम्मानजनक तरीके से यहाँ मनाया जाता है। मैंने देखा है यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी आती रहती हैं। मैंने देखा कुछ बॉलीवुड की मशहूर हस्तियाँ आई थी, उन्होंने हजारी जी को बहुत ही एक यहाँ के गंगा जमुनी तहजीब के लिए, यहाँ की कौमी एकता के लिए एक सम्मान सूचक एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया। उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद था और मुझे लगता है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और बस ये चंद लोगों का कुछ ये समझ लीजिए कि कोई साजिश है या कूट रचित कोई कार्य है। साजिशन ये सारे कार्य हैं। प्राइमा फेसी तो यही प्रतीत होता है, प्रथम दृष्टिया यदि देखा जाए तो प्रतीत तो यही होता है। अच्छा, एज अ सोसाइटी आप लोग लगातार यहाँ पर रह रहे हैं, सोसाइटी का नाम भी धूमिल होता है कहीं ना कहीं, आप लोग किस तरीके का एक्शन लेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक हम लोग हैं जो यहाँ के हमारे सभ्य हमारे अपार्टमेंट के अध्यासी हैं, हम सभी लोग आपस में बात करते रहते हैं। हम जिम में इकट्ठा होते हैं या क्लब की किसी कोई गैदरिंग होती है उसमें हम इकट्ठा होते हैं तो हम बात करते रहते हैं कि यहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए। और अभी हाल ही में हम लोगों ने पेड़ों के प्लांटेशन के लिए भी कुछ आपस में बात किया था तो उसके लिए हमारे बीच के कुछ लोग हजारी जी के पास गए थे, उन्होंने बहुत उसमें कोऑपरेट किया, बहुत मदद की और बहुत सारे पेड़ भी लगवाए गए। तो हम लोग कोई भी अपने विचार अगर उनको लिखित में या मौखिक रूप में देते हैं तो वो निश्चित तौर पे उन विचारों का सम्मान रखते हैं और उसमें अगर उनको लगता है कि ठीक है सोसाइटी के हित में है तो उस पे वो कार्य भी करते हैं। ओके सर, आपका सर नाम क्या है? अखिल कुमार। अखिल जी यहाँ पे कब से रह रहे हैं? करीब करीब 2 साल से। 2 साल से रह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता नोएडा में जो घटना घटित हुई है उसी के तहत यहाँ पे प्रोपोगेंडा के तौर पर यहाँ पे जो दूसरी वीडियो जो वायरल होती है हजारी सिंह की उसी तरीके से प्रोपोगेंडा के तहत की? इसको मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ क्योंकि हजारी सिंह जी एक ऐसे इंसान हैं, आप बाकी लोगों तो बात छोड़ दीजिए, जो यहाँ पे झाड़ू पोछा करती हैं उनकी सबकी पूरी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में वो उन महिलाओं से कहते हैं कि आप लोगों के कभी भी किसी को लगे कि किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया है तो मुझको बताइए, किसी भी प्रकार से किसी भी महिला के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, वो आदमी जो 24 घंटे आप एक कॉल करिए वो आदमी आपको नज़र आएंगे, आंधी पानी बारिश सर्दी हजारी सिंह जी हर जगह मौजूद। कोरोना काल में जब मौतें हो रही थी उस आदमी ने ना अपनी परवाह की ना अपने परिवार की, अपनी गाड़ी में लाद लाद के कोरोना के पेशेंट डाइंग पेशेंट्स को उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। रात दिन बड़े बुज़ुर्गों को कैसे सम्मान करना है, छोटे बच्चे, आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जो आपको इंडिया में कहीं देखने को मिलेगा। ऊपर हमारा हॉल है उसमें रामनवमी में पूजा हो रही है, उन्हीं दिनों रमज़ान शुरुआत और नीचे अजान हो रही है, रोज़ा इफ्तारी हो रही है। तो जो आदमी सबको साथ में लेके चल रहा हो किसी में, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का लांछन लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं 2 साल पहले यहाँ पे मैंने मेरा फ्लैट था, मैंने यहाँ पे कभी आने की नहीं सोची थी, लेकिन जब मैंने हजारी सिंह जी को देखा उनसे मैं मिला तो मैंने ये आदमी तो यार बिल्कुल फरिश्ता है एकदम, तब मैं यहाँ पर आया। और आप ये समझ लें कि आप किसी से भी यूँ ही जाके पूछ लीजिए, कोई भी इंसान ऐसा आपको नहीं देखिए, अगर हमारे मन में आपके लिए नकारात्मक है तो वो हमेशा रहेगा, लोग चांद भी दाग बतला देते हैं ओके, लेकिन हजारी सिंह जी मुझे नहीं लगता है और मुझे क्या सारे लोग जो हैं आप इंडिविजुअली किसी से पूछे, स्पेशली महिलाओं से पूछे, बड़ों से पूछे, बच्चों से पूछिए, वो आदमी उस आदमी के बारे में कोई बात कही जाती है दुर्भाग्यपूर्ण, यही मैं कह सकता हूँ बस।
आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं लोकल लोगों से लगातार बात कर रहा हूँ, सभी से, महिलाओं से बात होती है मेरी, पुरुषों से बात होती है, सभी लोग ये एक तरफा बात बताते हैं कि हजारे सिंह इन लोग के लिए फरिश्ता हैं, लगातार इन लोग के लिए वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे लगातार वर्क हो रहे हैं। लेकिन जो वीडियो जो ट्रॉल की जा रही है, चाहे किसी भी चैनल्स पर आप लगातार देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर किसी भी नेटवर्क पर देख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर एक वीडियो के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये दिया जा रहा है कि वो 3 साल पुरानी है। देखने वाली बात होगी जब महिला से बात होती तो उनका क्या पक्ष रखा जाता है। और दूसरी बात आपको बता दूं, जो नोएडा की जो घटना घटित हुई है उसकी एक तरीके से इस को अवसर के रूप में विपक्षियों के, जिनके बारे में विपक्षी बता रहे हैं, उन लोगों ने इसको अवसर के तरीके से देखते हुए इसको अचानक से ट्रॉल किया और ये वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो गई। देखने वाली बात होगी इस पर प्रशासन किस तरीके से एक्शन लेता है ये खबर चलने के बाद, इस पर तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तब तक जुड़े रहें ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।